नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे या मैं आपके लिए एनालिसिस की एक वीडियो लेकर आया हूं आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में, यानी आफ्टर आंसर की कट ऑफ क्या रह सकती है, आपकी रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ का भी होगा एनालिसिस। तो बने रहें हमारे चैनल यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी के साथ। और चलिए, शुरू करने से पहले कुछ डिटेल्स हैं जो आपसे शेयर करना मुझे मुनासिब लगता है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने अपना लेवल वन जो पोस्ट था उसकी आंसर की वैसे तो 11 तारीख को अपलोड कर दी थी, लेकिन वो 12 से सही होनी स्टार्ट हुई, यानी डाउनलोड होनी। तो उसके बाद में आप आंसर की चेक की और कुछ लोगों ने अपने नंबर अपडेट किए हमारे यूट्यूब चैनल जो हमने लाइव सेशन किया था उसमें, और बिफोर आंसर की क्या हमारा एनालिसिस था उसके बारे में भी उन्होंने, उस पर भी हमें अपने टोटल कितने स्कोर बन रहे हैं क्या कुछ होगा तो उसके बारे में उन्होंने बताया। वही हमारे पास पूरा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। तो उससे पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। एग्जाम हो चुका और आंसर की जारी हो गई, लेकिन सीबीटी का जो प्रथम चरण था ना दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का, उसमें था विभिन्न श्रेणियों में पत्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत। अनरिजर्व कैटेगरी को 40% लेकर आने थे, ओबीसी को 30, एससी को भी 30 और एसटी को 25%, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंकों का नकारात्मक अंकन किया जाएगा, यानी इतना नकारात्मक आपकी नेगेटिव मार्किंग थी 1/3। तो दोस्तों, मिनिमम अगर 100 की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी को 40 स्कोर करना था मिनिमम, कम से कम, यानी उससे कम वाली अपनी उम्मीद अब छोड़ दें। नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद में, अगर आपका दांव सही बैठता है होपफुली कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि ग्रुप डी की जो आंसर कीज आई हैं आरआरबी की उसमें 2 से 3 नंबरों का उन्होंने आइटम है वो डिलीट कर दिया है, अनआंसर्ड रखा है। तो मेरे ख्याल से जरूर होना चाहिए जो नॉर्मलाइजेशन है, तो जो 36, 37, 38 के आसपास है वो तो 40 से क्रॉस कर जाएंगे। अब मेरिट में आएंगे या नहीं वो हमारी आप कट ऑफ की ये वीडियो देख लें। वैकेंसीज तो आपको पता ही है दोस्तों, अहमदाबाद, अजमेर, अलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची और सिकंदराबाद, इन 19 रीजनों में अलग अलग कैटेगरी वाइज जो मैंने आपको यहाँ मेंशन कर रखी है ये सारी जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज थी, और ये आपकी ओबीसी, एससी, एसटी और फिर ईएसएम की भी थी, साथ में कुछ और भी वैकेंसियाँ थी, तो उनके बेस पर मैं आपको आपकी एनालिसिस बताऊंगा। ये खैर आपको सारी नॉलेज है ही, और जैसे लोगों ने हमें अपडेट किया कि सर स्कोर मेरा ये बन रहा है आफ्टर आंसर की स्कोर इतना आ रहा है, क्या करें, ऑब्जेक्शन करें ना करें, कुछ के ऑब्जेक्शंस भी हैं, लेकिन जो हमारा एनालिसिस कहता है दोस्तों वो आपकी आंसर की के बेस पर ये कहता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अहमदाबाद रीजन के। अहमदाबाद क्योंकि आपको जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसमें डबल कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो अहमदाबाद के जो अनरिजर्व कैटेगरी में है अगर 58 के आसपास स्कोर है, और एससी में 48, एसटी में 44, ओबीसी में 55, ये स्कोरिंग आपको क्राइटेरिया चाहिए चाहिए अहमदाबाद में अगर आपने करना है पहला लेवल पार। अजमेर से जनरल कैटेगरी में 55, एससी में 45, एसटी में 47, क्योंकि राजस्थान में एसटी कैटेगरी थोड़ी ज़्यादा है, हमेशा एससी से ऊपरी रहती है एसटी की जो कट ऑफ है, और ओबीसी 50 नंबर। अलाहाबाद से हैं तो 55 नंबर जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी को करने होंगे, 47 नंबर एससी कैटेगरी के, 40 नंबर एसटी कैटेगरी और 51 नंबर ओबीसी कैटेगरी में इन्हें स्कोर करने पड़ेंगे। बेंगलोर 57 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी, एससी कैटेगरी 45, एसटी कैटेगरी 42 और ओबीसी 50 नंबर स्कोर करना होगा। भोपाल की अगर हम बात कर लें दोस्तों, हाई जाएगी कट ऑफ यहाँ पर, जनरल कैटेगरी 60 नंबर, एससी कैटेगरी 48, एसटी कैटेगरी 42 और ओबीसी 54 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। भुवनेश्वर से 48, एससी कैटेगरी के लिए 40, एसटी कैटेगरी के लिए 39 और ओबीसी के लिए 45, ये आपका कैटेगरी का एनालिसिस रहने वाला है अगर आपने पहला पड़ाव पार करना है, यानी सीबीटी 1। फिर बिलासपुर से जो विद्यार्थी बिलोंग करते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो 59 एक बार फिर हाईएस्ट कैटेगरी कट ऑफ की तरफ जाएगी, फिर 44 नंबर एससी कैटेगरी, 40 नंबर एसटी और 55 ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी। चंडीगढ़ की बात कर लें तो 57 फॉर जनरल कैटेगरी, 46 फॉर एससी, 43 एसटी और ओबीसी के लिए 50 के आसपास कट ऑफ रहेगी। चेन्नई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 49 अगर रहेगी जनरल कैटेगरी में, 40 रहेगी आपकी ओबीसी एससी कैटेगरी की, 40 ही एसटी कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की 44 नंबर के आसपास रहेगी। गोरखपुर से जो जिन्होंने एग्जाम दिया था, 53 नंबर रहेगा आपका जनरल कैटेगरी वालों के लिए, 43 नंबर रहेगा एससी, 40 एसटी और 49 रहेगा ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए। गुवाहाटी 50 नंबर जनरल कैटेगरी, 42 नंबर एससी, 37 नंबर एसटी कैटेगरी और 45 नंबर ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी। कलकत्ता
52 नंबर रह सकती है जनरल कैटेगरी में, 40 नंबर रह सकती है एससी कैटेगरी में, और 41 नंबर के आसपास अनुमान आ रहा है एसटी कैटेगरी का। जो ये 40 नंबर है वो एससी कैटेगरी का है और 46 नंबर रहेगा ओबीसी कैटेगरी में। लास्ट चार रहे हैं जिनमें मुंबई की अगर बात करूं दोस्तों, तो 57 के आसपास जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी आरआरबी ग्रुप डी की, 45 के आसपास रह सकती है आपकी एससी कैटेगरी में, 42 के आसपास एसटी कैटेगरी में और 50 नंबर के आसपास ओबीसी कैटेगरी में। वहीं पटना की अगर बात करूं तो दोस्तों 60 नंबर फिर एक हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ जाएगा ये जनरल कैटेगरी, और 45 नंबर एससी, 43 नंबर एसटी और 57 नंबर ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ रह सकती है। अगर आपका ये स्कोर है तो आपको अपनी नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप रांची से बिलोंग करते हैं तो 58 नंबर आपको चाहिए जनरल कैटेगरी में, 45 नंबर चाहिए आपको एससी कैटेगरी में, 42 नंबर चाहिए एसटी कैटेगरी में और 53 नंबर चाहिए आपको ओबीसी कैटेगरी में रांची रीजन को क्वालिफाई करने के लिए। सिकंदराबाद वाले 61 नंबर आपको चाहिए जनरल कैटेगरी में, 48 नंबर चाहिए एससी में, 45 चाहिए एसटी में और 57 नंबर चाहिए ओबीसी कैटेगरी में। तो एक बार फिर से इस लिस्ट को दोबारा से ध्यान से देख लें। ये जो पहली कैटेगरी है अनरिजर्व कैटेगरी है, अलग अलग रीजन वाइज आपकी कट ऑफ है, यानी सीबीटी फर्स्ट, आपका जो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम हुआ है उसमें जो आपका कल आंसर की जो आई है उसके बाद का हमारा एनालिसिस है, ये अनरिजर्व कैटेगरी, फिर एससी कैटेगरी, फिर एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की हमने आपको अलग अलग कट ऑफ यहाँ बता दी है। तो ये रहने वाली है आपकी कट ऑफ। अगर आप इस क्राइटेरिया को पार करते हैं तो ज़रूर अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की तैयारी कर लें। उसके रिगार्डिंग भी हम आपको जल्द ही एक पूरा एनालिसिस, पूरा वीडियो देने वाले हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। दो प्रोसेस और हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी मिलेगी वीडियो के थ्रू। तो बने रहें हमारे चैनल YouTube इंस्पिरेशनल गुरुजी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दें। आप सभी का फर्स्ट स्टेज पास हो, उम्मीद करता हूं कि आपका भी स्कोर इस रेंज के अंदर हो और आप चले जाएं सेकंड स्टेज में। इसी कामना के साथ आज लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।